वेलकम टू टेक्सटाइल पार्क यूट्यूब चैनल। टेक्सटाइल पार्क यूट्यूब चैनल बेसिकली स्पिनिंग मिल्स इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल है। इस चैनल में हम आज स्पिनिंग मिल्स के लेबॉरेटरी टेस्टिंग के बारे में जानेंगे। आज के ट्यूटोरियल में हम स्लेवर की टेस्टिंग के बारे में और ड्रोविंग की टेस्टिंग के बारे में जानेंगे कि किस तरह हम इन्हें स्पिनिंग मिल में हम टेस्ट करते हैं। इसे हम रैपिड ड्रम कहते हैं। ये रोविंग और स्लेवर की लेंथ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट विंग स्केल है। इसकी मदद से हम स्लेवर रोविंग का वेट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा रैपिड ड्रम है और सबसे पहले हम स्लेवर की टेस्टिंग करें। ये जो पीछे हम आप देख रहे हैं इसे हम स्लेवर कहते हैं। और रैपिड ड्रम बेसिकली लेंथ मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और इधर ही हम इसे स्टॉप करेंगे। रैपिड ड्रम का एक सर्कल एक यार्ड के बराबर है और जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ ही हम इसे स्टॉप करेंगे। ये हमने 6 यार्ड का स्लेवर हासिल कर लिया है। इसका अब हम वज़न करेंगे। 27.271 ग्राम्स इसका वेट है। ग्रेन पर यार्ड का फार्मूला है। वेट इन ग्राम मल्टीप्लाई विद 15.43 डिवाइडेड बाय लेंथ इन यार्ड। अब हम वेट और लेंथ को फार्मूले में पुट कर देंगे। हमारे 6 यार्ड स्लेवर का वेट था 27.27, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15.43 और डिवाइड कर देंगे हमारे पास लेंथ 6 यार्ड से, और इस तरह हमारे पास ग्रेन पर यार्ड आ जाएंगे 70.13 और ये हमारे ग्रेन पर यार्ड है। स्लेवर के बाद हमारा अगला जो प्रोसेस है वो रोविंग है। तो आज हम सीखेंगे कि रोविंग की टेस्टिंग किस तरह करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये सिंप्लेक्स 52 है, उसके ऊपर इस रोविंग को लपेटा जाता है। अब इसकी हम रैपिंग सेम उसी तरह करेंगे जैसे हमने स्लेवर की टेस्ट की थी। सबसे पहले हम रोविंग लेंथ मेजरमेंट करेंगे। इधर हम 15 यार्ड का रोविंग लेंगे। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं हम स्टॉप करेंगे जब 50 यार्ड की लेंथ हो जाएगी। और ये हमारे 15 यार्ड की लेंथ कंप्लीट हो गई है और इसी तरह हम इसका वेट कर लेंगे। हमने वेट किया, ये हमारा आ गया 10.035 ग्राम्स। अब हम हैंक रोविंग का काउंट चेक करेंगे। उसका फार्मूला है हैंक रोविंग बराबर है 0.54 बट्टी बटाई विद लेंथ इन यार्ड डिवाइडेड बाय वेट इन ग्राम्स। अब हम फार्मूले में लेंथ और वेट पुट कर देंगे जैसे कि हमारा फार्मूला था 0.54 और हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया लेंथ। लेंथ हमने ली थी 15 यार्ड की और हम डिवाइड कर देंगे 15 यार्ड की वेट से। इस तरह हमारे पास है रोविंग आ जाएगी 0.807। थैंक्स फॉर वॉचिंग टेक्सटाइल पार्क यूट्यूब चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए।